देखो सर, जब आप बात करते हो ज्योमेट्री की, आवाज आ रही है बेटे आप लोगों जी सर, आ रही है। जी को? ज्योमेट्री हमारे पास जो सब्जेक्टिव पार्ट में था जब हम 9th 10th कर रहे थे स्कूली, उस टाइम सब्जेक्टिव का मतलब उसका ज्योमेट्री का मीनिंग अलग होता है, क्योंकि वहां हमें क्या करना होता था, वहां हमें करना होता था सारे क्वेश्चंस में प्रूफ। लेकिन जब एंट्रेंस एग्जाम में आप ज्योमेट्री लेते हो तो यहाँ कोई प्रूफ नहीं करना, यहाँ आपको उन प्रूफ का यूज करना है। तो आपने जितने भी प्रूफ वहां पे पढ़े हैं या आपने थ्योरम्स करी, कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े, बस वो आपको मालूम होना चाहिए। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको चैप्टर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अगर आपको इंफॉर्मेशन है तो फिर आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो हम 9th वाले हम कंप्लीट ज्योमेट्री करेंगे एक साथ, ठीक है, अलग अलग नहीं कर रहे, स्टेप बाय स्टेप। तो हम 9th वाला जो हमारा पार्ट था वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 9th में हमने स्टार्ट किया था लाइंस एंगल्स ट्राइंगल्स, यहां अगर मैं आपसे टू द पॉइंट बात करूं तो चीजें तो आपको मालूम होनी चाहिए। लाइंस किसे कहते हैं, एंगल्स किसे कहते हैं, ट्राइंगल्स किसे कहते हैं, ये तो सब बच्चों को पता है शायद। हाँ भाई, सब बच्चों को मालूम है लाइन किसे यस कहते हैं? लाइन, सर। लाइन सेगमेंट, रेज, एंगल्स, एंगल्स कितने तरह के होते हैं, ट्रायंगल, ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं, सब। मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, फिर मुझे बताइएगा कि आप लोग समझे या नहीं समझे। हमारे पास क्या है, हमारे पास है सबसे पहले अगर हम बात करें, हमने एक पढ़ा था एडजेसेंट एंगल। 9th में यहां से कहानी कुछ स्टार्ट होती है। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब सीधा सीधा सा है नाइबर एंगल्स, पड़ोसी एंगल्स, ठीक है। अगर हमारे पास दो एंगल दिए हो, सपोज करो एक एंगल ये है AOB और एक सपोज करो एंगल ये है BOD, तो ये जो दो एंगल हैं आपके पास, एक हमारे पास हम मान लेते हैं ये है X और एक ये है हमारे पास Y, ये एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। कब एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं? तब एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं जब इनका वर्टेक्स दोनों एक ही वर्टेक्स पे बने हुए हो, कॉमन वर्टेक्स। जब इन दोनों की एक साइड कॉमन, कॉमन साइड, वन साइड इज कॉमन। तीसरा जो है, जो इनकी दो अदर साइड्स बची वो आइदर साइड ऑफ द कॉमन साइड्स होनी चाहिए। एक साइड इस कॉमन साइड से इधर हो और एक साइड इस कॉमन साइड से इधर हो, ये तीन कंडीशन है किसी भी दो एंगल्स के एडजेसेंट होने के लिए। मतलब एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आपके पास एक एंगल ये है AOB, ये कंप्लीट एंगल ए ओ पे, ये ओ पे बना हुआ, और एक एंगल आपके पास ये है AOC, तो ये भी यहां ओ पे ही बना हुआ है, तो वर्टेक्स कॉमन है। और एक एंगल हमारा AOB है, दूसरा एंगल हमारा AOC है, तो दोनों में
एओ कॉमन, वन साइड कॉमन भी है, लेकिन अगर आप चेक करेंगे तो दूसरी वाली जो कंडीशंस थी, जो अदर टू साइड्स हैं, वो दोनों साइड्स एक ही तरफ है, बोथ साइड्स, बोथ द डिफरेंट साइड्स आर सेम साइड, द सेम साइड ऑफ कॉमन साइड। ये बात समझ में आ रही है? ऊपर वाली फिगर में और नीचे वाली फिगर में ये है कि जो कॉमन साइड है वो बीच में होनी चाहिए और बाकी दोनों साइड एक इधर एक इधर, दूसरे वाले में नहीं। इसका मतलब पहला वाला हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स है, दूसरा एडजेसेंट एंगल नहीं। इस एडजेसेंट एंगल में आपने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक एंगल ऐसा हो जाए, एक एंगल ये हो ए ओ बी और दूसरा एंगल ये हो बी ओ सी और दोनों का सम 90 हो जाए, तो इन्हें आपने कहा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सम ऑफ टू एंगल्स इज 90, देन दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और एक आपने कहा था कि अगर हमारे पास टू एंगल्स ऐसे हो जाएं जिनका सम 180 हो, एक एंगल हमारे पास ये है और दूसरा एंगल हमारे पास ये, तो अगर इनका सम 180 हो जाए, इन्हें आपने कहा था सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे क्वेश्चन बना है कभी कभी छोटा सा कि आपसे कह दिया जाए फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 डिग्री या फाइंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री। बताओ मुझे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 20 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 70 होगा सर, 70। और सप्लीमेंट्री क्या होगा 70 का? 110। अब आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है फाइंड ए, फाइंड एन एंगल इफ इट इज 20 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फाइंड एन एंगल इफ इट इज 20 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बताओ क्या आंसर होगा? हंड्रेड। नालायक आदमी कॉम्प्लीमेंट्री में 100 हो सकता है? मुझे क्या मतलब है? एग्जाम में भी बेटे चांस नहीं मिलेगा ना ज्यादा, तो एक ही बार श्योर शॉर्ट आंसर देना। 35। वन विल बी 35 और एक 55 आएगा सर। 55 एंड 35। दो एंगल पूछ रहा है, एक एंगल पूछ रहा है? एक एंगल सर। 35 आंसर है, 55 आंसर है? सर 55 सर। ध्यान रखना है इन चीजों, ऑप्शंस दोनों दिए हैं। आपसे कह रहा है फाइंड एन एंगल इफ इट इज 20 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहां आपको कुछ सोचना है कि अगर आपको एंगल निकालना है, तो सपोज करो आपने एंगल थीटा कर लिया, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो होगा 90 माइनस थीटा। अगर सप्लीमेंट्री होगा तो 180 माइनस थीटा। अब आपसे क्या कह रहा है? इट इज 20 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। ये जो हमारे पास एंगल है थीटा, ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री से 20 डिग्री ज्यादा है, ये क्वेश्चन दिया हुआ, तो उस हिसाब से आपको सोचना है। या ऑप्शन से भी आप सोच सकते हो कि भाई ऑप्शन जो दिया हुआ है, तो सोचो अगर 35 आपने ऑप्शन लगाया, तो 35 का जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो 55 होगा, तो ये छोटा है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता।
हाँ अगर 55 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी 35 है, ये इससे 20 डिग्री ज्यादा है, तो यही हमारा आंसर। तो आप ऑप्शन से भी सोच सकते हो। अदरवाइज जो इक्वेशन बनी है हमारी, वो हमारी बनी है थीटा माइनस 90 माइनस थीटा। प्लीज अपने माइक को म्यूट करो फैसल। तो आपके पास क्या होगा, आपके पास हो जाएगा थीटा माइनस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 20 इस तरह से। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 110, तो थीटा विल बी 55। समझ में आ गया? यस सर आ गया। सभी बच्चों को आवाज आ रही है? यस सर। ये ज्योमेट्री है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, दो चार चीजें आएंगी पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो इसलिए एक एक चीज आप लोग सीखते चलें तो ज्यादा अच्छा। कि कभी इसको भी पेंडिंग में रखें कि अभी फॉर्मूला कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है। ज्योमेट्री में से 3-4 क्वेश्चन आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है। और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो भी देख लीजिए, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि हो क्या रहा है, इस लेवल पे आपको ज्योमेट्री पढ़ना है। ज्योमेट्री से डर बहुत लगता है क्योंकि ज्योमेट्री अपने आप में प्रूफ पे बेस्ड थी, और अब जो ऑब्जेक्टिव आएगा यहाँ प्रूफ करना नहीं, यहाँ सिर्फ उन प्रूफ को यूज करना है, तो इजी हो जाता है। तो उसी लेवल का आपको सीखना चाहिए। देखो आप लोग किस तरह के क्वेश्चन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आए हैं। अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं, सीधा सीधा रिजल्ट्स जिसे कहना चाहिए कि अगर आपको ज्योमेट्री का रिजल्ट मालूम है, जो क्वेश्चन आपने प्रूव करें वो रिजल्ट अगर आपको मालूम है तो मिल जाएगा। ये हमारे पास एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल इन विच एंगल सी इज 90, सी डी इज परपेंडिकुलर ए बी, बी सी इज ए, सी इज बी, ए बी सी, सी डी इज बी, देन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हमसे कह रहा है। बिल्कुल मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ जी। सर बिल्कुल मैं अभी बस आपने कॉल कर लिया नंबर पर, आप मुझे रिकॉल कर दो, सबमिट हो गया वो।
देखिए क्वेश्चन हमारे पास ये है, सर 70 सर, वो लेटर आपको समझ होगा, हिंद गुरु स्कूल से जी। जिन बच्चों के पास यहाँ स्टडी पॉइंट की बुक है, आप देखेंगे सारे क्वेश्चन उसमें। एक क्वेश्चन ये था, और एक क्वेश्चन, चार क्वेश्चन आए थे आपके पास ज्योमेट्री से। इसमें तीन क्वेश्चन टेंथ वाले पार्ट से समझ लीजिए और चौथा क्वेश्चन आप नाइन्थ से। ये क्वेश्चन सारे करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, कभी कभी एक पार्ट एक्स्ट्रा आ जाता है, उसको समझ लीजिए होता क्या है। असल में क्या है, होता क्या है कि हमारे पास जो एंगल मेजरमेंट का यूनिट है डिग्री, इसमें एक स्मॉलर यूनिट होता है। अभी तक आपने डिग्री पढ़ा है, वन डिग्री, तो वन डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। वन डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट। फर्दर हमारे पास जो 1 मिनट है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 60 सेकेंड्स। ये बस क्या मतलब हुआ इसका, सपोज करो हम कह रहे हैं 30 डिग्री, तो 30 डिग्री में से 29 डिग्री तो अलग कर दीजिए और 1 डिग्री अलग कर दीजिए, तो इस 1 डिग्री को हम 60 मिनट लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 29 डिग्री एंड 60 मिनट्स, स्पेशली वो बच्चे जो डिप्लोमा के लिए कर रहे हैं। अलीगढ़ भी कभी कभी पूछ लेता है एक्स्ट्रा चीज, तो वो भी ध्यान रखते हैं, बट डिप्लोमा वाले। तो 29 डिग्री 60 मिनट, ये बात सबको समझ में आ गई कि हम 30 डिग्री को 29 डिग्री 60 मिनट कह सकते हैं। हाँ भाई, यस सर, यस सर। हमने कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं कही, हमने ये कहा है कि सपोज करो हमारे पास 5 रुपीज है, तो ठीक है 5 रुपीज को हम क्या कह सकते हैं, 4 रुपीज 100 पैसे। सर बात सही है या नहीं है भाई, 100 पैसे yes, का sir. मतलब भी 1 ही रुपया होता है, तो 5 में से 4 रुपए ले लिए और 100 पैसे कर दिए, तो पैसों को अगर कुछ डिवाइड करके देना भी किसी को 5 पैसे किसी को 10 पैसे, तो हम दे पाए। अगर हम इसी तरीके से इसमें से 29 डिग्री 60 मिनट में से 59 मिनट अलग कर दें और 1 मिनट अलग कर दें, तो इस 1 मिनट को हम क्या लिख पाएंगे, 60 सेकेंड्स। बहुत अच्छे, शाबाश। तो हम लिख सकते हैं 29 डिग्री 59 मिनट 60 सेकंड, ये मतलब। तो बस यही तरीका है। अब अगर आपसे क्या कहते, आपसे कहते कि भाई 28 डिग्री 50 मिनट और 35 सेकंड का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 28 डिग्री 50 मिनट 35 सेकंड। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए किसमें से माइनस करना पड़ता है,
90 वेरी गुड. तो आपको 90 में से इसको माइनस करना है. अब 90 में से आप कैसे माइनस करोगे? 90 में से आप ऐसे माइनस करोगे, पहले 90 को चेंज करो. 90 को आप करो 89 डिग्री 60 मिनट और 60 मिनट को भी चेंज करो 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकंड्स. ये बात सबको समझ में आ गई या नहीं आ गई? यस सर. यस सर. ठीक है. और आपको माइनस किसको करना है? आपको माइनस करना है 28 डिग्री 50 मिनट 35 सेकंड. माइनस कर दो जी. 60 में से 35 जाएंगे तो 15 बचेंगे, 59 में से 50 जाएंगे तो 9 बचेंगे. ठीक है सर. और 89 में से 28 जाएगा तो 981 और 826 60. ये वाली बात सबको समझ में आ गई नहीं आ गई? 15 सेकंड नहीं होगा सर, 25 सेकंड होगा. 25 सेकंड होगा. जैसे तो डाटा मत करो ना, कभी कभी गलती हो जाती है बुढ़ापे में. हम तो डांटते नहीं इतना आप लोगों को, किताब में डांटते हैं. चलो सही है जी. अब 61 डिग्री 9 मिनट एंड 25 सेकंड्स. तो ऐसे आपको कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री एंगल्स निकालना है. ठीक है. आप लिखना चाहो तो एक बार इसको लिख लो, थोड़ी सी नींद भी भाग जाएगी आपको. सर ये तो लेवल की ट्रिग्नोमेट्री का है. जी हाँ जी. जब कुछ एक्स्ट्रा होगा तो फिर वो एक्स्ट्रा ही होगा. एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है इंशाल्लाह शाम में. अगर आपके किसी जानने वाले को करना है तो वो शुरू से 2 से 3 घंटे रोजाना क्लास होगी, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं. या आप में से किसी को शुरू से शुरू करना है, रिवाइज करना है, तो ज्वाइन कर सकते हैं. सर जो सर आर्ट्स कॉमर्स का सर हो रहा है सर क्लास, सर 2 बच्चे हैं सर. ऑफिस का नंबर सर? ऑफिस खुला हुआ है सर. हाँ तो बढ़िया है. कोई सा बच्चा आप में से तो ऑफिस विजिट कर सकते हैं. अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, कुछ है, बुक्स लेनी है, असाइनमेंट लेनी है, कुछ लेना है, तो फिर ऑफिस आ सकते हैं. यस सर. क्लासेस नहीं हो रही लेकिन ऑफिस से सपोर्ट. हेलो, क्या नाम है आपका? आवाज आ रही है? हेलो सर जी. अदनान नाम बताओ. अदनान रशीद सर. अच्छा, दिल्ली हो? कहाँ हो? क्या दिल्ली में कौन कौन से बच्चे हैं अभी रुके हुए? यस सर, मैं दिल्ली में ही हूँ सर अभी. सर हम भी दिल्ली में. सर हम भी दिल्ली में ही है सर. हम भी एक एक दो दो करके शक्ल दिखाओ आके ऑफिस. हम भी दिल्ली में ही है सर. बगैर रिस्क लिए, बगैर कुछ हुए, अगर आ सकते हैं आसानी के साथ तो आ जाइए ऑफिस. आप सबके पास अगर बुक्स हैं तो ठीक है, बुक्स नहीं है तो ऑफिस से आके बुक ले सकते हैं. सर एडमिशन ऑफिस पे ही जाके करवाना होगा? अगर ऑफिस खुला हुआ तो सर ऑफिस पे ही जाके करवा लेंगे सर. मैं वहीं पे रहता हूँ, बटला हाउस में. ऑफिस का नंबर सबके पास है? यस सर. 0008 और एक है 9810646646. ये 2 नंबर हैं आप इनमें से किसी. खैर, हमारे पास ये 2 चीजें हो गई, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री. दूसरा आपने पढ़ा था, एक आपने पढ़ा था लीनियर पेयर. दो चीजें,
एक तो चीज ये है कि अगर आपके पास कोई एक लाइन है उस पे किसी एक पॉइंट पे ध्यान रखना, किसी एक पॉइंट पे जितने चाहे एंगल्स बना लीजिए, उन सब का सम 180 होता है। ऑल एंगल्स ऑन ए लाइन एट द सेम पॉइंट, यहाँ पे ये है कंडीशन, एक ही लाइन हो, एक ही पॉइंट हो, कितने भी एंगल हो जाएं, सेम साइड की बात हो रही है, तो उन सब का सम 180 होता है। एक तो ये हमारे पास है। दूसरा हमारे पास ये भी होता है कि अगर हमारे पास एक रे ये है और एक रे ये अपोजिट रे, अपोजिट, ये भी ध्यान रखिए, तो अपोजिट रे मिलके हमेशा 180 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। ये तो इस पे छोटे छोटे से क्वेश्चंस आपने किए होंगे, मैं सीधा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही करा। जिनके पास भी बच्चों के पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही करने की कोशिश करें, वो क्वेश्चन जिनका एमसीक्यूज बन सकता है, कभी प्रूफ वाले करने बैठ जाए। इसमें एक चीज और मेंशन कर दें, एक तो आपके पास लीनियर एक पेयर हो गया, लीनियर एक्सियम या लीनियर पेयर, दूसरा आपने पढ़ा होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर आपके पास दो लाइन होती हैं, एक लाइन ये है और एक लाइन ये, अगर ये दोनों एक दूसरे को कट किए, दोनों लाइंस हैं ध्यान रखना, कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो फिर जो आमने सामने एंगल्स बनते हैं, ये एंगल और ये, अगर ये हमारे पास सपोज करो एक्स है तो फिर ये भी एक्स होगा, और अगर हम ये कहें कि ये एंगल और ये एंगल तो ये भी इक्वल होगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। आप लोगों ने पढ़ लो, ये दो चीजें यूज करके कुछ क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं। कोशिश करेंगे हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस करें, बहुत छोटे छोटे से होते हैं, थोड़ा सा भी आपको आइडिया है तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है पहला। जी आपसे कह रहा है इन फिगर 6.9 लाइंस पी क्यू एंड आर एक्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, इफ द पी ओ आर एंड आर ओ क्यू इज 5:7 फाइंड ऑल द एंगल्स। अब हमारे पास जो गिवन है हम उसी से स्टार्ट करें तो ज्यादा अच्छा है। लाइंस पी क्यू आर एस ठीक है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इफ पी ओ आर ये एंगल है एंड आर ओ क्यू ये एंगल है। प्लीज ध्यान से देखिए, जब रेशो दिया हो तो आपको पता है आप लेते हैं 5x और इसको लेते हैं 7x ठीक है। अब रेशो वाले क्वेश्चन भी दो तरह से सीख लीजिए आप सब बच्चे। तो अब आपको पता है एक एंगल 5x है, एक एंगल 7x है, लेकिन ये दोनों के दोनों एक ही लाइन पे बन गए, यस और नो? अगर दोनों एक ही लाइन पे बन गए तो इनका सम कितना हो जाएगा भाई? 180 हो जाएगा। 180 सर, यस। तो ये हो जाएगा 12x इज 180, 12 से आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 15। तो अगर आपका x 15 आ गया तो फिर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये होगा, हमारे पास ये होगा कि भाई हम 5x निकाल सकते हैं, तो 5x हो जाएगा 75 और 7x निकाल सकते हैं तो 7x15 हो जाएगा 105। अच्छा दूसरी बात ये है, अगर ये वाला आपका 75 डिग्री हो गया तो फिर इसके सामने भी 75 डिग्री ही होगा, अगर ये 105 हो गया तो इसके सामने भी 105 होगा, ये बस। लेकिन दूसरी चीज भी देख लो, जब रेशो दिया हो
तो रेशो में दो चीजें होती हैं, ध्यान से समझ लीजिए। सपोज करो एक एंगल ए है, एक एंगल बी है, ये रेशो दिया हुआ है 5, ये रेशो दिया हुआ है 7। तो एक तो सम होता है रेशो का, सम ऑफ रेशो, तो यहाँ 5 + 7 = 12 हो गया। एक होता है एक्चुअल सम, कि इनका एक्चुअल सम कितना है, तो एक्चुअल सम इनका 180 है। तो अगर रेशो दिया हो तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जैसा सपोज करो मुझे पहला एंगल निकालना है, तो पहला एंगल मेरा है 5 और रेशो कितना है 12, 12 में से ये 5 है, तो 180 में से कितना होगा, ये डायरेक्ट होता है, एक सेकंड के अंदर आप आंसर लिख सकते हैं। 5 out of 12 हाउ मच इन 180, तो आप अगर इसे करोगे तो ये 15 आएगा, तो 15 × 5 = 75। दूसरा अगर निकालना है तो दूसरा एंगल है 7 from 12 out of 12, तो हाउ मच इन 180, तो 12 से ये 15, तो 15 × 7 = 105। तो रेशियो को आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब अगर मैं आपसे कहूं, दोबारा से देख लीजिए, मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 2:3 है तो 20 को डिवाइड करो, इसमें डिवाइड 20 × 2:3, तो स्मॉलर पार्ट बताओ, तो स्मॉलर पार्ट क्या होगा, 2 out of 5 हाउ मच इन 20। कुछ समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. हाँ भाई, कुछ समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप, इस तरह से आप रेशो के क्वेश्चंस में कर सकते हो। तो ये हमारे पास पहला एग्जांपल था आपकी एनसीईआरटी का 9th का। एक क्वेश्चन और देखो, ये क्वेश्चन प्रूफ वाला है, बट हमने आपसे कहा प्रूफ नहीं आएगा, इसका यूज आएगा, तो ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कैसे हमारे पास है। ये देखो इधर, हमारे पास ये क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है रे ओ एस स्टैंड्स का अगर फिगर भी गिवन होगा तो फिगर भी देख लीजिए, अगर एग्जाम में फिगर गिवन हो। ये हमारे पास जी, आपसे कह रहे हैं इन फिगर 6.10 रे ओ एस स्टैंड्स ऑन ए लाइन पी ओ क्यू, रे ओ आर एंड रे ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ पी ओ एस एंड एस ओ क्यू, If the POS is X, find ROT. ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है, पहले वो देख लीजिए। एक्चुअली है क्या, हमारे पास एक लाइन गिवन है, ये लाइन है POQ। आपके पास इस पे एक रे है OS, ठीक है जी। आपसे कह रहा है OR एंड OTR एंगल बाइसेक्टर्स, तो इसका मतलब हमारे पास इस OS से दो एंगल बने, एक एंगल ये बना और एक एंगल ये बना, तो QOS जो हमारे पास एंगल बना हुआ है, QS ये वाला एंगल, इसको एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है, ये लाइन OT, OT इसको बाइसेक्ट कर रही है, और ये जो एंगल इधर बना हुआ है, ये इधर, इसको एक और लाइन बाइसेक्ट कर रही है OR, और यहां ये हमारा बेवकूफ बना रहा है कि सर POS जो है, POS जो है ये एंगल, ये एंगल X है, ROT बताइए, तो ये POS बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ है, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है ROT बताओ, तो ROT ये एंगल है, ये एंगल, क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है जी,
तो होगा क्या, अगर आप चेक करो, अगर आप चेक करो तो मैं बिल्कुल सिंपल सी बात कर रहा हूं, सपोज भी कर सकते, वैल्यू लेके भी कर सकते हो, ध्यान रखना हम वैल्यू लेके भी करेंगे और हम वैसे भी करेंगे, तो वन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले समझ लो कि हुआ क्या। हमारे पास एक एंगल है QoS, समझाने के लिए कर रहा हूं, अदरवाइज ये बहुत सेकंड्स का है, और दूसरी बात ये, जब एक बार रिजल्ट समझ में आ जाए तो उसे याद ही रख लेना एक तरह से। एंगल QoS जो हमारे पास है और जो एंगल POS है, इन दोनों का सम कितना होगा भाई? 180। हाँ भाई 180। भाई QoS है ये वाला और POS है ये वाला, तो इनका सम हो गया 180। अब आपने क्या करा, आपने QoS का हाफ करा, तो QoS का हाफ करा तो ये वाला एंगल आ गया, इसको मैं कह रहा हूं 1। तो हाफ कर दो QoS का, ध्यान से देख लो, मैं यहीं पे कर रहा हूं उसी एक की लाइन में। और आपने क्या किया, आपने POS का भी हाफ कर दिया, तो ये आपने हाफ कर दिया POS का, तो क्या मुझे कोई बताएगा कि 180 का हाफ कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई QoS के हाफ को हम कह रहे हैं 1 और POS के हाफ को हम कह रहे हैं ROS, उसको हम कह रहे हैं 2। तो ये हमारा हो गया 1 और ये हमारा हो गया 2, और एंगल 1 प्लस 2 कितना हो गया भाई? एंगल 1 प्लस 2, ध्यान से देखो 1 प्लस 2 कौन सा है, 1 प्लस 2 ये वाला एंगल, तो 1 प्लस 2 कितना एंगल हो गया भाई? एंगल ROT भाई, एंगल ROT हो गया ना, और एंगल ROT कितना हो गया? 90 यही हमारा आंसर है, तो RRT 90 होगा। कभी कभी ध्यान से देख लो, कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि सर मुझे तो ये एंगल बताओ, QOT प्लस POR इन दोनों का सम कितना होगा? सम अलग अलग नहीं पूछ सकता, तो ध्यान रखना इन दोनों का सम भी 90 होगा। क्या होगा? 90 होगा। अब दूसरी चीज से देखो, मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं इस तरह से नहीं कर रहा हूँ, आप इस पूरे क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो अपनी मर्जी से। आपसे कह रहा है QoS और POS दो एंगल हैं, मान लेते हैं कि ये वाला एंगल 60 है, तो फिर सीधी सी बात ये वाला एंगल अपने आप 120 हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? Yes, sir. अब बताओ 60 का हाफ कितना होता है? 30. 120 का हाफ बताओ कितना होता है? 60 प्लस 30 बताओ कितना होता है? 90. बताओ, बस ऐसे भी सोच सकते हो, और ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जो हम सोच सकते हैं, क्योंकि टोटल हमें 180 पता है। हम ये नहीं कि सर अपने आप कैसे ले, भाई 180 तो पता है ना कम से कम, तो एक को सपोज करेंगे दूसरा आ जाएगा तो उसका हाफ कर लेंगे इस तरह से। समझ में आ गया? यस सर, आ गया। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन सिर्फ इतना सा था कि भाई अगर हमारे पास लाइन हो, उस पे एक और लाइन दी जाए, तो इस एंगल का हाफ करिए, तो इस एंगल का हाफ आपने ये किया, और फिर आप इस एंगल का भी हाफ करिए, इस एंगल का, तो इसका हाफ आपने ये किया, तो इसका मतलब दोनों में जो 180 का सम था उसका हाफ कर दिया, तो 180 का सम अपने आप ही 90 हो गया, 180 का हाफ हमें अपने आप ही 90 हो गया, ये हम कह रहे हैं। आ गई बात समझ में? देखो एक क्वेश्चन और देखो। ये हमारे पास इन फिगर 6.13 लाइंस ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, इफ AOC प्लस BOE 70 एंड BOD इज 40, फाइंड BOE एंड रिप्लेस एंगल COE। बगैर कुछ सोचे समझे जो कुछ दिया हुआ है वो रखना शुरू कर दीजिए। आपसे कह रहा है AOC, तो AOC ये एंगल है, और BOE ये एंगल, और इन दोनों का सम 70 है। कितना है भाई इन दोनों का सम? 70। तो क्या आपको नजर आ रहा है ये दोनों एंगल कौन सी वाली लाइन पे हैं? AOB पे। अगर AOB पे हैं, तो क्या आप में से कोई बच्चा मुझे ये बताएगा
कि भाई ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90. अरे अल्लाह रहम. 110. बेटे ये वाला इन दोनों का सम जब 70 है तो ये वाला एंगल 110 हो जाएगा. 110 हो जाएगा, ठीक है. अब इसमें एक एंगल और दिया हुआ है, बीओडी 40 दिया हुआ है. ये है बीओडी 40. अगर बीओडी 40 है, अगर बीओडी 40 है तो इसके सामने कौन सा वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है? एओसी. तो एओसी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री. अरे 40 डिग्री. अगर एओसी 40 होगा तो बीओई कितना हो जाएगा? 30 डिग्री. ये वाला 40 है, ये 30 है, ये 110 है, ये 40 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये इधर एओडी सब 140 नीचे हमारे पास. आपकी मर्जी है, आप चाहे इधर से देखें कि भाई ये हमारा 40 डिग्री. 140 देखो, आप सारे एंगल्स बता सकते हो, कोई सा ही पूछ ले. वो मैं दो तीन ही बच्चे बोल रहे हैं, बाकी सब तो खामोश हैं. यस सर. यस सर बताओ भाई, बाकी बटालियन को सुनाई दे रहा है नहीं सुनाई दे रहा है? यस सर सुनाई दे रहा है. आप लोग माशाल्लाह जाग रहे हैं. यस सर जागे हुए हैं सर. अल्लाह का शुक्र. चलिए देखिए क्वेश्चन और देखिए. ज्योमेट्री सिंपल एक दो चीजों का नाम है, एक दो इन्फॉर्मेशन. अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है, मतलब बताने को मैंने सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर यही बताया, वर्टिकली अपोजिट उसी से काम चल रहा है. तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन पे अच्छे खासे क्वेश्चंस हो जाते हैं, ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं होती. तो इसलिए थोड़ा सा इस वाले टॉपिक में जागते हैं, तीन चार क्वेश्चन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात. ये हमारे पास क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है लाइन एक्स वाई एम एन इंटरसेक्ट एट ओ इफ पी ओ वाई इज 90. ध्यान से देख लीजिए, पी ओ वाई ये 90 है, ये 90 है. तो क्या आप इस एंगल के बारे में बता सकते हो ये कितना होगा? 90. हाँ भाई सब बच्चे, पी ओ एक्स एंगल ए बराबर 36 और एंगल बी बराबर 54. बहुत अच्छे, शाबाश. तो ये वाला एंगल भी 90 हो जाएगा. यस सर नो, क्योंकि ये आपके पास लाइन है, ये आपके पास लाइन है. तो अगर राइट साइड वाला 90 है तो लेफ्ट साइड वाला भी 90 होगा. अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, इस क्वेश्चन में ए इज टू बी 2:3 दिया हुआ है. हम हमें निकालना है सी. ध्यान से देख लो, हमें निकालना है सी. हम सी निकाल सकते हैं अगर हमारे पास बी आ जाए. क्या आ जाए भाई? बी. क्योंकि सी जो है वो 180 माइनस बी है. ये सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes, sir. तो बी निकालना है. बी मेरा एंगल कितना है? बी yes. कितना है मेरा? 36. रेशो में बताओ बी कितना है मेरा? 2:3 है. तो बी मेरा है 3. टोटल रेशो का टोटल कितना है? 5. और सम कितना है वैसे एंगल का? बराबर 126. तो 5 से हो गया 18. तो 18 3 जा 54. ये वाली बात सबको समझ में आ गई या नहीं आ गई? यस सर. ये तो बी आपका 54 है, तो 180 में से 54 माइनस कर दीजिए, कितना आया जी? 126. सबको समझ में आ रहा है? यस सर. एक और देखो. यस सर. ये देखो, ये रिजल्ट कई बार पूछा जा चुका है. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये भी क्वेश्चन आया है और इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन भी आया है.
आपसे कह रहा है पी ओ क्यू इज ए लाइन, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, पी क्यू ओ एस इज टू द लाइन पी क्यू, ओ एस इज अनदर रे बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर, प्रूव दैट आर ओ एस इज इक्वल टू. मैंने आपसे कहा जो आपने प्रूव किया है उसको यूज करना है, तो वहां प्रूव दैट नहीं पूछेगा, वहां से पूछेगा कि आर ओ एस इज इक्वल टू वॉट, आर ओ एस इज इक्वल टू वॉट, ये और वहां पे ऑप्शन दे देगा आपसे, कह देगा एंगल पी ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ एस लाइक दिस, या हाफ ऑफ दिस या टू ऑफ दिस, तो इस तरह से आपको अलग अलग रिलेशन दे देगा, आपसे पूछेगा बताओ सही पार्ट क्या है, तो ये आपको याद रखना है. इसको प्रूफ कैसे करेंगे या इसको चेक कैसे करेंगे कि हो क्या रहा है, एक तो चीज यही है कि आप इसमें वैल्यू रख लो, मर्जी आपकी, आप जो चाहे वैल्यू रख लो, आपके पास आ जाएगा कि भाई क्या हो के क्या वैल्यू आनी. मतलब मैं आपसे कह रहा हूं मुझे आर ओ एस चाहिए, क्वेश्चन ही लेते हैं जो एग्जाम में आया, देखता हूँ कहाँ है क्वेश्चन, तो फिर मैं आपको वैल्यूज से भी और उससे भी दोनों चीजों से समझा रहा देखो. पहले मैं इसको ऐसे ही, हमारे पास क्या है, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन, तो ये हमारा एंगल हो गया 90. ठीक है सर, आपकी मर्जी है, अब आप इसको कुछ भी सपोज कर लीजिए, सपोज करो इसको 30 ले लेते, तो ये एंगल कितना बचेगा भाई, 60. ठीक है जी, अब हमसे कह रहा है बताओ एंगल आर ओ एस कितना होगा, और आर ओ एस के सामने आपको ऑप्शन दे दिए कि सर एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, या एंगल पी ओ एस माइनस क्यू ओ एस, या आपसे दे दिए ट्वाइस एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, या हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस. सपोज करो इस तरह से आपको चार ऑप्शन दे दिए. अब आपको पता है कि आर ओ एस 30 है, तो 30 किससे आ रहा है मुझे अब ये बताइए, QOS, QOS हमारा है 120, हाँ भाई, और POS हमारा है 60. क्या इससे आ रहा है ये या नहीं आ रहा है? Yes, sir. 30 आ रहा है 120 minus 60. आ रहा है? नहीं. Yes sir कह रहे हो? नहीं sir. नहीं आ रहा. तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन गलत है. आपसे कह रहा है POS minus QOS. ठीक है सर, POS हमारा हो गया 60, QOS हो गया 120, इससे भी नहीं आ रहा है. अब आपसे कह रहा क्यू एस माइनस पी ओ एस, तो उसका ट्वाइस भी नहीं है. ठीक है सर, अब जरा देखो क्यू एस माइनस पी ओ एस कितना आया, ठीक है 120 माइनस 60, उसका हाफ 30 आ गया या नहीं आ गया, तो आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं. मेरा कहने का, मैंने पहला वाला क्वेश्चन भी जो उसमें आपको बताया था रेशो वाला, उसमें भी बताया था कि आप वैल्यू सपोज कर लो तब आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे ही आ जाएगा ज्यादातर में, जहां आपको कम से कम एक चीज पता है. यहाँ भी एक चीज पता थी कि टोटल 180 है और एक एंगल 90 है. अदरवाइज इसमें अगर रिलेशन दिया है तो ये भी समझ लीजिए, अगर इसमें रिलेशन दिया है कि भाई मुझे चाहिए, ऑप्शन में अगर आपके यही एंगल्स यूज हो रहे हैं तो ज्यादा आसान रहेगा कि भाई QOS यूज हो रहा है, POS यूज हो रहा है और ROS यूज हो रहा है. तो आपको अगर याद ना रहे कि हुआ कैसे था, तो आप दो लाइन लिख के प्रूफ भी कर सकते हो. कैसे कर सकते हो प्रूफ, देख लो ROS, ये है ROS और मुझे इस ROS के साथ QOS यूज करना है,
आर ओ एस के साथ क्यू ओ एस यूज करना है, तो जरा ध्यान से देख लो हो क्या सकता है। हो ये सकता है कि आर ओ एस जो हो सकता है वो हो सकता है क्यू ओ एस, ये है क्यू ओ एस माइनस क्यू ओ आर, क्यू ओ आर हो सकता है क्या भाई? यस सर। अगर क्यू ओ एस में से, आप सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए, क्यू ओ एस में से क्यू ओ आर माइनस कर दें तो आर ओ एस बचेगा, यस और नो? यस सर। हाँ भाई, पूरा एंगल जो है हमारा ध्यान से देख लीजिए, ये है पूरा एंगल, दैट इज क्यू ओ एस, और उसमें से हम ये वाला एंगल माइनस कर दें इतना एंगल, तो फिर हमारे पास ये वाला एंगल बचेगा, बचेगा या नहीं बचेगा? यस सर बचेगा। ठीक है, मान लो मैंने आपसे भी कहा था, मैंने अभी आपसे कहा था कि सपोज करो अगर ये 120 है और ये ग्रीन वाला तो हमें पता ये 90 है, तो 120 में से 90 माइनस करेंगे 30. तो हमारे पास कितना एंगल बचेगा? तो वही हम लिख रहे हैं कि अगर ये 120 है और ये 90 है तो 120 माइनस 90 इज इक्वल टू 30, तो इस तरह से हम कंसीडर कर सकते हैं कि भाई आर ओ एस, तो आर एस को एक तो हमने ले लिया क्यू ओ एस के साथ। अब हम कह रहे हैं कि नहीं आर ओ एस को इधर भी लो पी ओ एस के साथ, तो यहां हम कैसे ले सकते हैं आर ओ एस को? अब हम आर ओ एस को इधर इधर पी ओ एस के साथ लेना चाह रहे हैं, इसके साथ, तो इसके साथ हम कैसे लेंगे इसको? हम ऐसे लेंगे पी ओ आर माइनस पी ओ एस। अगर हम पी ओ आर में से, पी ओ आर हमारा 90 है, ध्यान से देख लीजिए, पी ओ आर में से पी ओ एस माइनस कर दें तो भी हमारा आर ओ एस बचेगा, ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? यस सर आ गई। अब अगर आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि भाई हमारे पास हो क्या रहा है, हमारे पास जो क्यू ओ आर है वो भी 90 है और जो पी ओ आर है वो भी 90 है, तो क्यू ओ आर 90 है और पी ओ आर 90 है, इतना ही लिखना है एग्जाम्स में, पेज नहीं भरना है। अब अगर इन दोनों को प्लस कर दूं तो ये 90 से 90 कैंसिल, तो अगर 90 से 90 कैंसिल तो मेरे पास आएगा क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस और इधर आएगा टू आर ओ एस, तो इस टू को मैं इधर ले जाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा जी? हाँ, तो ये हमारा रिलेशन है, तो इस तरह से आपको प्रूफ करना है, तो कल फिर इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करेंगे। मैं एक्सरसाइज की वो जो बना के जेपीजी या पीडीएफ आपको भेज रहा हूँ, क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लीजिएगा। लाइंस एंगल ट्राइंगल में जो हमारे पास है तीन ही चीजें हैं, पहला आपने लीनियर पेयर पढ़ा था, लीनियर पेयर, दूसरा आपने पैरेलल लाइंस पढ़ा था। पैरेलल लाइंस में आपके पास तीन एंगल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, या फिर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, दोनों का सम 180। ये तीन चीजें आपने पढ़ी थी और इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, और तीसरा आपने पढ़ा था ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 180 एंड एक्सटीरियर एंगल is equals to opposite two interior angles. ये तीन चीजें सिर्फ आपके पास पूरे चैप्टर में है, लीनियर पेयर, पैरेलल लाइंस और सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्राइंगल, तो छोटे छोटे इतना ही कॉन्सेप्ट है बस, अगर इतना ही इंफॉर्मेशन आपको है तो आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो ट्राई कर लीजिए, कल फिर इंशाल्लाह लेंगे क्लास। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। प्रैक्टिस कौन कौन कर रहा है? यस सर। प्रैक्टिस हो रही है डेली? यस सर। चलो, ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।